हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं महा दाल तड़का बना रही हूँ। दाल तड़का बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महा दाल तड़का बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने महा साबुत दाल ली है। इस दाल को 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स हम इस दाल को 2 घंटे तक पानी में भिगो देंगे। दाल को भिगोए हुए फ्रेंड्स 2 घंटे हो चुके हैं। इसके अलावा हमने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, हरी मिर्च को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके अलावा हमें घी चाहिए और इसके अलावा हमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर चाहिए। अब हम कुकर को गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और अब हम इसमें दाल डाल देंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में मैं इसमें कटे हुए प्याज और हरी मिर्च को ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं कुकर के ढक्कन को ढांक रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, दाल में एक बॉईल आ चुका है। अब हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। अभी हम गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे और कुकर में 2 सीटी लगने देंगे। कुकर में 2 सीटी लगने के बाद हम गैस को स्लो फ्लेम पे कर देंगे और इस दाल को हम 1/2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम कुकर का ढक्कन खोल देंगे और दाल को चेक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल अच्छे से गल चुकी है। अगर आपको दाल हल्की सी कच्ची लगे तो आप इसे थोड़ी देर तक और पका सकते हो। अब हम दाल को तड़का लगाएंगे, जिसके लिए हमने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, टमाटर को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है, इसके अलावा हमने अदरक और लहसुन को भी बारीक बारीक काट लिया है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमें जीरा, हींग और सूखी हुई लाल मिर्च चाहिए। अब हम तड़का पैन लेंगे और उसमें घी डालेंगे और हम हल्का सा घी को गर्म होने देंगे फ्रेंड्स। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे और साथ ही में हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसमें मैं हींग ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम लहसुन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी और साथ ही में मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, प्याज भी हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अब मैं दाल में गरम मसाला डाल रही हूँ। महा दाल तड़का बनके बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। ये महा की दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। ढाबे या रेस्टोरेंट्स में भी यही दाल मिलती है फ्रेंड्स। आप भी इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हो इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। अब हम दाल को सर्व करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, महा की दाल जो है ये चपाती और राइस के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैं दाल में थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। बटर ऐड करने से ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ ही में मैं कुछ अदरक के लच्छे इस पे डाल रही हूँ फ्रेंड्स। दाल खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।